What is up everybody? I hope you all are doing great. मेरा नाम है किशोर और आज हम लोग बात करने वाले टॉप 6 एनिमे और मेन कैरेक्टर्स और पावर्ड पार्ट। इससे पहले मैं दो पार्ट्स में बात कर चुके हैं, तुम लोग चाहो तो उन वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हो। नंबर 6 कोड ब्रेकर। हालांकि हमारी साकुरा जो कि एक बहुत ही चेयरफुल एंड डेडिकेटेड गर्ल है, साथ ही साथ वो एक बहुत ही अच्छी मार्शल आर्टिस्ट भी है जिसके अंदर सेंस ऑफ फेयरनेस है जो कभी भी फिल्टर नहीं होता है चाहे कुछ भी हो जाए। उसने जब देखा लोगों को जलते हुए ब्लू फ्लेम से जब वो बस पर बैठकर अपने घर जा रही थी, उसने तुरंत ही पुलिस को फोन करा और उन्हें बुलाया। लेकिन वहां जाकर के उनको पता चला कि वहां पर अब ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं है कि कोई व्यक्ति वहां पर चला भी था। इन चीजों को देख करके वो बहुत ही अनसेटल्ड फील करती है। लेकिन जब वो नेक्स्ट डे उसके स्कूल में जाती है और देखती है कि वहां पे एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है जिसका नाम है रे ओगामी, उसको तुरंत ही पता लग जाता है कि यही वो लड़का था जिसने उसको कल रात देखा था लोगों को ब्लू फ्लेम से जलाते हुए। अब ये लड़की उस लड़के को स्टॉक करने लग जाती है उसके सीक्रेट्स को पता करने के लिए, और आगे क्या होता है ये सब कुछ आपको स्टोरी में देखने में बहुत मजा आएगा। नंबर 5 शैमन किंग। शैमन्स एक बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिविजुअल्स होते हैं जिनके पास एबिलिटी होती है कम्युनिकेट करने की विद अदर स्पिरिट्स, गॉड्स एंड इवन घोस्ट्स। ये स्पिरिट्स नॉर्मल लोगों के लिए इनविजिबल होती है। और शैमन फाइट एक बहुत ही प्रेस्टीजियस टूर्नामेंट है जो कि हर 500 साल में होता है, जहां पर पूरी दुनिया से शैमन्स उठकर लड़ने के लिए आते हैं और इस टूर्नामेंट में वो लोग कम्पीट करते हैं टू बिकम द शैमन किंग। ये टाइटल इन्हें अलाउ करता है टू कॉल अपॉन द ग्रेट स्पिरिट एंड शेप ऑफ द वर्ल्ड। नंबर 4 I've been killing slimes for 300 years. जैसे कि हम सभी वीब्स आरपीजी गेम्स को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, स्पेशली मी। जैसे कि मेरे को गेंशन इंपैक्ट बहुत ज्यादा पसंद है इस वक्त में। और जैसे कि हमें पता है कि स्लाइम्स आर यूजुअली द इजीएस्ट मॉन्स्टर टू किल इन एनी गेम, लेकिन वो बहुत ही लो एक्सपी देते हैं। पर क्या हो अगर आपके पास इनफ टाइम हो और आप पिछले 300 सालों से स्लाइम्स को ही मार रहे हो तो बेसिकली आप ओवरपावर्ड बन जाओगे। ये कहानी एक ऐसी विच की जो कि पिछले 300 सालों से उन्हीं स्लाइम्स को मारे जा रही है और आगे क्या होता है वो ओवरपावर्ड बन जाती है। अब उसकी लाइफ कैसे चलती है और उसकी लाइफ में आगे क्या होता है अगर आपको ये जानना है तो इस एनिमे को जरूर देखें। नंबर 3 बिल्ड डिवाइड कोड ब्रेक न्यू कोयोटो सिटी, जो कि गवर्न है बाय द किंग। किंग इज द वन जिसकी वर्ड डिटरमाइन करती है उसकी स्ट्रेंथ इन बिल्ड डिवाइड ट्रेंडिंग गेम में। कहा जाता है कि अगर आप किंग को डिफीट करते हो इन बिल्ड डिवाइड आपकी कोई भी विश फुलफिल हो जाएगी, और अगर आप किंग को चैलेंज करना चाहते हो तो वन मस्ट पार्टिसिपेट इन TCG। सो ये एक एनिमे है जो कि आप लोगों को देखने में बहुत मजा आएगा, बेसिकली बेस्ड अपॉन कार्ड गेम्स, और सच में इट इज वन ऑफ द मोस्ट वर्थ वॉचिंग एनिमे एंड इट्स रियली अंडररेटेड। You should check out this anime. Number 2, when I got reincarnated as a slime. 30-year-old Satoru एक typical corporate worker है जो कि perfectly used to हो चुका है उसकी dull and boring lifestyle से, और वो अपने life में एक भी girlfriend नहीं बना पाता है। Bro, we are same actually. एक दिन जब वो अपने घर से अपने colleague से मिलने निकलता है, so ऐसे एक random accident का शिकार बन जाता है जिसमें एक बंदा उसको उसके पेट में stab कर देता है, और तब उसे लगता है कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो रही है और उस जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाया। तब उसको एक voice of world सुनाई देती है जो उसे बोलती है कि तुम अपनी life में क्या पावर्स चाहते हो, आपको क्या लगता है सातुरु ने कौन सी पावर उसके लिए मांगी होगी। ये सब कुछ देखने के लिए आपको ये एनिमे देखना होगा, और सच बताओ इज वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट एनिमे ऑफ माइन। नंबर 1 वर्ल्ड ट्रिगर। जब एक गेट खुलता है अनदर वर्ल्ड अर्थ पर मिकोडो सिटी में, जिसके अंदर से स्ट्रेंज क्रीचर्स निकलते हैं। इन स्ट्रेंज क्रीचर्स को उस वर्ल्ड के लोग नेबर्स कहते हैं जो ऑलमोस्ट पूरी सिटी को खत्म कर सकते हैं, लेकिन इनसे लड़ने के लिए उस अर्थ की गवर्नमेंट एक स्पेशल फोर्स बनाती है जिसका नाम होता है बॉर्डर डिफेंस एजेंसी, जो कि इन स्ट्रेंज क्रीचर्स से लड़ते हैं विद द हेल्प ऑफ स्पेशल वेपन्स कॉल्ड ट्रिगर्स। इन स्ट्रेंज क्रीचर्स को इस वर्ल्ड में आए हुए बहुत साल हो चुके हैं, लेकिन अभी भी ये क्रीचर्स पूरे वर्ल्ड के लिए एक खतरा है। इसलिए जितने भी बॉर्डर डिफेंस एजेंसी के मेंबर्स होते हैं जो कि ट्रिगर्स को यूज करते हैं, वो बेसिकली गेट्स की बॉर्डर्स के पास में ही रहते हैं ताकि जब भी कोई क्रीचर वहां से निकले वो उसे मार सके। ऐसे ही हमारा एक मेन कैरेक्टर होता है जो कि एक्चुअली इस वर्ल्ड का नहीं होता है। अब वो किस वर्ल्ड से बिलोंग करता है, किस टाइप की पावर्स रखता है, क्या वो ट्रिगर जैसे वेपन्स को यूज करता है, और क्या वो बॉर्डर डिफेंस एजेंसी को ज्वाइन करेगा या उनके खिलाफ लड़ेगा, ये सब देखने के लिए आपको इस एनिमे को देखना होगा।
सो, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। मुझे इस सीरीज को बनाते हुए बहुत मजा आ रहा है। मैं अभी तक 4 पार्ट्स बना चुका हूँ। 4थे, 5वें और 6वें पार्ट्स पे काम चल रहा है। धीरे धीरे करके आपको इसके नए पार्ट्स मिलते जाएंगे और मैं बता रहा हूँ इस महीने पे हम लोग पूरे इसके जो 10 पार्ट्स है वो कंप्लीट कर देंगे और इसके बाद हम लोग टॉप 10 वीडियोस पे काम करना शुरू करेंगे। बेसिकली जो मैं पहले बिना वॉइस के टॉप 10 वीडियोस डालता था, अब मैं वैसे वीडियोस को नहीं डालूंगा। अब मैं वॉइस ओवर के साथ में टॉप 10 वीडियोस को डालूंगा क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस को ज्यादा पसंद है एज कम्पेयर टू दोज वीडियोस। सो आई होप तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। अगर वीडियो को एंजॉय करा है सो मेक श्योर अपने दोस्तों के साथ अपनी कम्युनिटी टैब में या फिर अपने इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, जहां पे भी हो सके प्लीज शेयर करना। अगर आप शेयर करोगे तो यार बहुत ज्यादा मैं उसको अप्रिशिएट करूंगा और मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। सो आई होप तुम लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय करा होगा। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।